हेलो एवरीवन, SSMIC स्कूल के जो 7th क्लास के स्टूडेंट हैं उनकी आज से क्लास हिस्ट्री की शुरू हो रही हैं, सांस्कृतिक व सामाजिक अध्ययन क्लास 7th। इसका अगर जो हम वो देखें, कंटेंट देखें, तो कंटेंट में आपको इस तरह से दिखाई देगा। इसमें तीन पार्ट हैं। खंड एक, इतिहास हमारा अतीत। खंड दो, भूगोल हमारा प्राकृतिक वास यानी कि पृथ्वी। खंड इसमें हमारे 20 चैप्टर हैं 11 से 20 तक। और खंड थ्री हमारा सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इसमें हमारे 5 चैप्टर हैं 21 से लेकर 25 तक। यानी कि टोटल हमारा इतिहास में 25 चैप्टर हैं जिसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहला जो चैप्टर है वो संक्षिप्त परिचय, कब, कहाँ और कैसे, ठीक है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, व्हेन, वेयर एंड हाउ। तो इतिहास खंड एक का पहला चैप्टर है ये, तो हम इसको संक्षिप्त में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि सामान्य विश्व के प्रत्येक देश के इतिहास को 3 प्रमुख कालों में बांटा गया है। प्राचीन काल 18वीं शताब्दी तक, मतलब जो प्राचीन काल बोला जाता है वो 18वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी तक का बोला जाता है। मध्यकाल 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक, और आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से लेकर 21वीं शताब्दी तक। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमने जो इतिहास को तोड़ा है वो 3 भागों में तोड़ दिया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल जो है वो हमारी 8वीं शताब्दी तक जो है, जो इतिहास रहा है उसको पढ़ेंगे। मध्यकाल यानी कि 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक के बीच का जो इतिहास है वो हम मध्यकाल, उसे हम मध्यकाल बोलते हैं इतिहास की भाषा में। फिर आधुनिक काल को 19वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी जो कि अब हमारी चली हुई है उसे हम 21वीं शताब्दी बोलते हैं, तो उसे आधुनिक काल बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि भारत में मध्यकाल का प्रारंभ 8वीं शताब्दी के आसपास हुआ, जो 18वीं शताब्दी के मतलब शताब्दी तक रहा। भारत के मध्य युग को 2 भागों में बांटा जाता है, 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक। यानी कि जो हमारा मध्यकाल है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक के प्रारंभ, तथा पूर्व मध्य युग, तथा 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक उत्तर मध्य युग बोला जाता है। मध्यकालीन शब्द का क्या अर्थ है? मध्य का समय, ठीक है, मतलब जो हमारा इतिहास रहा है उस इतिहास में जो मध्य का समय है उसको मध्यकालीन बोला जाता है। यह उस काल को दर्शाता है जो प्राचीन और आधुनिक काल के मध्य पड़ता है। ठीक है, मध्यकाल में हम भारत के अनेक शासकों को पढ़ेंगे, जिसमें पाल हैं, पाल वंश है, प्रतिहार वंश है, राजकूट हैं, चोल वंश है, राजपूत वंश है, जिन वंश ने शासन किया था मध्यकाल में, हम मध्यकाल में उसको पढ़ेंगे। इसके बाद तुर्क आए थे, अफगान आए थे, मुगल का साम्राज्य रहा, तो वो सब हम पढ़ेंगे। मराठों और सिखों का पतन कैसे हुआ वो सब हम इस इतिहास की बुक में पढ़ेंगे। क्योंकि चैप्टर का जो नाम है वो संक्षिप्त परिचय, कहने का मतलब ये है कि जो इतिहास है उसको, मतलब इस बुक में हम इतिहास को किस हिसाब से, किस टाइप से पढ़ेंगे वो इस पहले चैप्टर में बताया गया है, वही हम इसमें पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक है, यूरोप में मध्यकाल का प्रारंभ 5वीं शताब्दी से हुआ और यह 16वीं शताब्दी तक जारी रहा। ये यूरोप की बात हो रही है, ना कि भारत की। ठीक है, अब आगे भारत की बात होगी। हर्ष की मृत्यु के पश्चात देश छोटे छोटे राज्यों में बट गए। हर्ष मतलब प्राचीन काल में हर्ष एक राजा था जो मतलब सबसे ताकतवर था, उसके मृत्यु हो जाने के बाद मतलब कि प्राचीन काल समाप्त हो गया था और छोटे छोटे भागों में बट गया था, जिससे मध्यकाल फिर शुरू हो गया था। सामान्यतः इन राज्यों के शासक राजपूत थे जिनके एक दूसरे के प्रति मित्रतापूर्ण संबंध नहीं थे, ये आपस में झगड़ा करते थे। 12वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण कर दिया, मतलब 12वीं शताब्दी के बाद, 12वीं शताब्दी के अंत में। 12वीं शताब्दी का मतलब ये मान लो आप कि जैसे अब चल रहा है
हमारा 2020, तो इसे बोलते हैं हम 21वीं शताब्दी, क्योंकि 2000 से लेके 2099 के सन तक हमारी 21वीं शताब्दी है, और यहाँ पर हमारी 12वीं शताब्दी के अंत में यानी कि 1100 से लेके 1199 तक की हमारी एक 12वीं शताब्दी होती है, यानी कि 12वीं शताब्दी के अंत में। कहने का मतलब यह कि 1175 से 1199 के बीच में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण कर दिया, ठीक है, अब आक्रमण कर दिया था। राजपूत शासक असंगठित होने के कारण उन्हें नहीं रोक सके, क्योंकि राजपूत शासक थे उस टाइम पर असंगठित थे, छोटे छोटे भागों में बटे हुए थे, तो इसलिए वो मुस्लिम आक्रमणकारियों को नहीं रोक पाए थे। तो इस समय लोगों के जीवन में आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक बदलाव आए। इस युग में भारत की भाषाओं पर परंपराओं, वेशभूषाओं, आचार विचार में भारी परिवर्तन हुआ। ये मध्यकाल, मतलब मध्यकाल की बात हो रही है, मध्यकाल में जो उत्तर मध्यकाल है, कहने का मतलब ये कि 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। इस युग में भारत की भाषाओं, परंपराओं, वेशभूषाओं, आचार विचार में भारी परिवर्तन हुए। प्रसिद्ध कबीले, जैसे इसमें प्रसिद्ध कबीले आए थे कुषाण, शक, हूण, तुर्क और मंगोलों ने सभी देशों के इतिहास की दिशा में दिशा ही बदल दी थी। मध्य युग की महत्ता क्या है, ठीक है, मध्य युग की महत्ता, 18वीं शताब्दी मध्य युग की महत्ता यह है कि 18वीं शताब्दी के मध्य में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय भूमि पर अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे। कहने का मतलब ये कि जो 18वीं शताब्दी खत्म होने हो का अंत हो रहा था और आधुनिक काल का की शुरुआत हो रही थी, तो जब अंग्रेजों ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए तो उसमें बहुत बड़ा आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन आया और भारतीय संस्कृति ने भी अपने स्वरूप को पा लिया था, ठीक है। मध्य युग के प्रमुख विकास क्या थे, मध्य युग में क्या विकास हुए। मध्य युग मतलब मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे या मुस्लिम जो साम्राज्य थे उस टाइम पर बड़े बड़े उन्होंने मतलब उनके प्रमुख विकास क्या थे, इसमें था पर्याप्त ऐतिहासिक, इसमें ना पर्याप्त ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध हैं, इस मतलब मध्य युग के प्रमुख विकास में। मध्य युग हमारे वर्तमान ढांचे के बहुत समीप है, जो हमारा वर्तमान ढांचा है, जैसे अगर हम माने कि जो लाल किला है, ताजमहल है, ये सब मध्य युग में ही बने हुए हैं, तो वो आज भी हमें हमारे मतलब धरोहर के रूप में सम्मिलित हैं हमारे देश में। हिंदू और मुस्लिम दोनों के परिश्रम से समाज में विकास की लहर दौड़ी थी, ठीक है। भारत की अधिकांश भाषाएं हिंदी और उर्दू इसी काल में विकसित हुई, ठीक है। इस युग में हमारे भोजन तथा वेशभूषा में भी अनेक परिवर्तन, वेशभूषा में भी परिवर्तन आए, आर्थिक विकास में भी परिवर्तन आया, व्यापार वाणिज्य का भी विस्तार हुआ, सूफी संतों के मूल सिद्धांतों की अच्छी समझ प्रस्तुत हो गई थी, इसे आपसी तालमेल और सहिष्णुता की भावना उत्पन्न हुई। कहने का मतलब ये है कि मध्य युग में भारतीय संस्कृति को पनपने का समय मिला, हिंदू मुस्लिम की भाईचारा बढ़ा, सहिष्णुता की भावना उत्पन्न हुई, तालमेल उत्पन्न हुआ और भारत का व्यापार भी बढ़ा दूसरे देशों से, तो और अनेक कलाओं और विचारों का आदान प्रदान उत्पन्न हुआ था, ठीक है। समाज में लेकिन एक बात हुई थी कि समाज में स्त्रियों का स्थान तथा स्तर में गिरावट दर्ज हुई थी, ठीक है। आधुनिक काल में इंग्लैंड, पुर्तगाल और फ्रांस ने भारत की आर्थिक संपन्नता से आकर्षित होकर उनके साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे। इतिहास के स्रोत, कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी इतिहास को छानने या उकेरने की कोशिश करते हैं तो उसमें कुछ स्रोत मिलते हैं जिसके आधार पर हमें पता लगाया जाता है कि हाँ भाई ऐसा उस टाइम पर हुआ था, या ये हमें अवशेष मिले हैं जिसके आधार पर हम ये पता लगाते हैं कि ऐसा कुछ उस टाइम पर घटित हुआ था, ठीक है। इसमें पुरातात्विक स्रोत, अगर पुरातात्विक स्रोत मतलब जो पुराने स्रोत हैं, जैसे हमारे मंदिर हो गया, इमारतें हो गया, शिलालेख हो गया, सिक्के, रसोई के पात्र, मतलब बड़े बड़े बर्तन हो गए, ठीक है,
हथियार आभूषण इत्यादि मिलते हैं। इनसे हम मतलब इतिहास के बारे में पता लगाते हैं। प्राचीन इमारतें मध्यकाल की सूचक है। मध्यकाल मतलब जैसे लाल किला, ताजमहल, आगरे का किला और ये सब, मतलब इसका राजपूतों का किला, ये सब हम मध्यकाल में मतलब ये सब चीज़ें बनी थी जो हमें आज के समय पर प्राचीन इमारतें के तौर पर धरोहर हैं। मध्यकाल में पुरातात्विक जो स्रोत हैं प्राचीन इमारतें हैं, शिलालेख हैं और सिक्के हैं, जिनके आधार पर हम इतिहास के बारे में पता लगाते हैं। साहित्यिक स्रोत आत्मकथाएं हैं, जीवन वृतांत मतलब जो राजा थे उनके बारे में क्या मतलब कथाएं लिखी हुई हैं, साहित्य लेख हैं, उस टाइम पर साहित्य लेख कौन कौन से लिखे थे, कैसे कैसे लिखे थे, जिस समय पर जो साहित्य लिखे जाते हैं उसकी समय या उसकी विचारधारा का पता लग जाता था। चित्रलेखन क्या था उस टाइम पर, यात्रियों का विवरण, जो दूसरे विदेशी जो यात्री आए थे, चीन से आए हों, वेनसांग हों या जो भी मतलब फ्रांसीसी हों या जो भी यात्री भारत में आए थे, उनसे पता चलता है उस टाइम का विवरण। संगीत क्या था उस टाइम पर, ठीक है। तो हम इस पहला पॉइंट देखते हैं, स्मारक मंदिर किले एवं महल, ठीक है। मतलब ये था कि जो मंदिर हैं वो तो हमारे मंदिर हैं, जो कि कोणार्क का सूर्य मंदिर है, लिंगराज का कैलाश नाथ मंदिर है, जामा मस्जिद है, मोती मस्जिद है, स्तंभ हैं, अशोक स्तंभ हैं, कब्र हैं, ताजमहल है, हुमायूं कब्र में जो हमारे ताजमहल है, हुमायूं की कब्र है, किले दिल्ली का किला, चित्तौड़ का किला है, ये सब हम उस टाइम पर बने थे जो हम आज अपनी धरोहर मानते हैं। महल हैं, जयपुर महल है, जोधपुर महल है, ये सब हम उस टाइम पे बने थे जो हम आज अपने धरोहर मानते हैं। शहर बीकानेर हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया, जो उस टाइम पर शहर बसाए गए थे मध्यकाल में। तो जो ये शहर है, कोणार्क मंदिर हुआ, ताजमहल हुआ, जयपुर हुआ, ये सब उस टाइम पर दर्शाए गए थे, जो इनकी शैली है, बनाने की शैली है। जैसे यहाँ पर ऊपर है, ये हैं गुंबद बनाए हुए हैं, चारों तरफ बनाए हुए हैं, इस तरह की शैली उस टाइम पर बनाई जाती थी। फिर यहाँ पर जयपुर महल है, जयपुर महल में भी कुछ सांस्कृतिक आकृति बनी हुई है जो उस टाइम पर दर्शाती थी कि हाँ भाई ये चीज़ें उस टाइम पर होती थी। तो हम इन्हीं से ही पता लगाते हैं अपने इतिहास का। दूसरा है शिलालेख। शिलालेख होता है कि जो अपने ताम्रपत्रों पर लिखा जाता है या मंदिरों में या गांवों से प्राप्त होते हैं, जो उस टाइम पर बने हुए थे। सिक्कों से पता चलता है कि कोई राजा अपने हिसाब से सिक्के बनवा लेता है, अपने चित्र प्रस्तुत उस पर अलंकृत करके सिक्के बनवा देता है, जैसे मध्ययुगीन सिक्के ये दोनों हैं, इस टाइप से बनवाता था। तो उस राजा की मतलब ये पता चल जाता था कि हाँ इस राजा ने इस टाइम पर शासन देश में किया था। फिर हमारा आता साहित्य के स्रोत, मतलब उस टाइम पर ताड़पत्रों पर स्रोत लिखे जाते थे, मतलब लेखन लिखे जाते थे, साहित्यिक लेखन लिखे जाते थे, तो उनका मतलब राजाओं की बड़ाई लिखे जाते थे, उनके बखान, बड़े बड़े बखान लिखे जाते थे उस टाइम पर। जैसे उसमें आत्मकथाएँ हो गई, राजा की आत्मकथाएँ, बाबर, जहांगीर, तुगलक आदि के संस्मरण उनकी आत्मकथा के रूप में लिखे गए। कुछ आत्मकथाएँ निम्नलिखित हैं, फिरोज़ शाह तुगलक मतलब फतहए फिरोजशाही, बाबर के नाम पर बाबरनामा एक साहित्य लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें बाबर के विषय में सारी चीज़ें पता चलती हैं। जहांगीर के बारे में तुजुक ए जहांगीर लिखा हुआ है, ठीक है, ये साहित्य के नाम है, ये हो गया ये साहित्य के नाम है, और ये राजा हैं जिनके बारे में ये साहित्य लिखे हुए हैं। ऐसे ही अन्य लेखन ये सब लिखे हुए हैं। चंद्र बरदाई हैं, पृथ्वीराज रासो ये सब हमारा लिखा हुआ, ये आपको पढ़ना है। दूसरा पॉइंट आता है जीवन कथाएं एवं वृतांत, मतलब राजाओं की जीवन कथाएं कैसी थी, उनका रहन सहन कैसा था, वो सब राजवंशों की शैली क्या थी, उनकी मतलब शौक क्या थे, वो सब इसमें लिखा रहता है। तीसरा पॉइंट है साहित्यिक रचनाएँ। साहित्यिक रचनाएँ में अनेक विद्वान ने लौकिक साहित्य की भी रचना की, जिसमें शब्दकोश, व्याकरण, नाट्यशास्त्र, चिकित्सक, धर्म, गद्य कथा
आदि सम्मिलित हैं। चित्रलेखन में भी मतलब कई सारे सूक्ष्म चित्रकला हैं, वो पेंटिंग बनाई जाती थी, अनेक तरह की सांस्कृतिक भी बनाई जाती थी, मानव की भी बनाई जाती थी, देवी देवताओं की भी उस टाइम पर चित्रकला दीवारों पर, ताड़पत्रों पर और मतलब अलग अलग जगह पर, मतलब उस पर कांच के बर्तनों पर और मिट्टी के बर्तनों पर भी अलग अलग तरह की आकृति बनाई जाती थी। पांचवा, विदेशी यात्री तथा इतिहासकारों का विवरण। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मतलब जो विदेश यात्री हैं वो मतलब भारत में आते हैं और इन भारत में आकर जो जैसे अकबर के नाम पर कोई चीनी नागरिक आ गया और उसने अपने साहित्य में ये लिख दिया कि भाई ऐसा ऐसा उस टाइम पर हुआ था, तो उसके अनुसार ही इतिहास को मानना पड़ता था। अब भी ऐसा ही माना जाता है। यूरोपीय यात्रियां आए थे, जैसे इटली के मार्को पोलो आए थे, वेनिस के निकोलो कोंटी, पुर्तगाल के बारबोसा और डोमिंगो, रूस के निकितन, इंग्लैंड के विलियम हॉकिंस ने भारत का भ्रमण किया और शासन के विधि विवरण प्रस्तुत किए। विविध विवरण मतलब उनका बखान किया कि ऐसा ऐसा भारत में राज होता था। कुछ यूरोपीय यात्री थे, इंग्लैंड के थॉमस, ये सब आपको पढ़ना है। फ्रांस के सर थॉमस राय थे, फ्रांसिस्को थे। ठीक है, इनमें बहुत से यात्री भारतीय शासक बहमनी, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब के दरबार में ठहरे और घटनाओं की सच्ची तस्वीरें प्रस्तुत की। संगीत भी एक ऐसा माध्यम है जिससे इतिहास के बारे में पता लगाया जा सकता है। मुगल शासक संगीत और नृत्य के बड़े शौकीन थे। हुमायूं भी संगीत के प्रेमी थे, अकबर संगीत का सबसे बड़ा अनुयायी था और जो औरंगजेब थे वो तो खुद वीणा बजाते थे और अपने आप को वीणा वादक भी बोलते थे औरंगजेब। उनके दरबार में तानसेन का एक बड़ा संगीतक जो अकबर था, उनके दरबार में तानसेन जैसा एक बड़ा संगीतज्ञ था जो कला में संगीत का प्रचार एवं प्रसार हुआ। ठीक है, ये सब होता था। जो आगे हमारी जो एक्सरसाइज आएगी मतलब आगे दोहराओ, इसमें आपको ये सब पढ़ना है। जो ये चैप्टर है ये सब हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आप मैं इसकी फोटोकॉपी आपको सेंड कर दूंगा आपके ग्रुप पर, आपको एक बार दोबारा से पढ़ना है। जिनके पास बुक है वो बुक से पढ़ेंगे और जिनके पास बुक नहीं है वो बुक स्कूल में जाकर संपर्क करें और इसको मतलब बुक खरीदने की कोशिश करें। ठीक है, और नहीं तो मैं आपको फ़ोटो दे दूंगा, फ़ोटो से आप पढ़ना और कल को हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे जिससे हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।